दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जंगल में आदिवासी अपना गुजारा कैसे करते हैं और वो अपने झुंड में शांति से कैसे रहते हैं और उनको क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरा झुंड एक हो जाता है और वो जड़ी बूटी को ढूंढकर अपना इलाज करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने प्रेडेटर मूवी तो देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया है कि एक अंतरिक्ष एलियन आकर अमेरिकी फौजियों से कैसे लड़ता है और अमेरिकी फौजी एलियन का सामना कैसे करते हैं, पर यह फिल्म भी ऐसी ही है। इस फिल्म की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फिल्म का नाम परे है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1970 ग्रेट प्लांट्स में, जहां पर जंगल में रहने वाले आदिवासी शिकार कर अपना पेट पालते हैं। इस आदिवासी में नारू नाम की 20 साल की लड़की रहती है, जो अपने भाई तांबे की तरह महान शिकारी बनना चाहती है। वो एक दिन अपने हिरन का शिकार करने जाते हैं। वहां पर उस दौरान एक विदेशी अंतरिक्ष यान देखती है। झुंड के लोगों को इसका जिक्र करती है, पर इस चीज का कोई यकीन नहीं करता। नारू जड़ी बूटी की पहचान करने में बहुत माहिर होती है। एक दिन नारू जंगल में रहती है। उसके झुंड से एक आदिवासी को ले जाता है और झुंड के लोग उसे ढूंढने जाते हैं। साथ में नारू भी अपने भाई तांबे के साथ चली जाती है। बहुत देर ढूंढने के बाद उनको उनका साथी जख्मी रूप में मिलता है। नारू उसका इलाज करती है और जड़ी बूटी खिलाकर उसको आराम करने को कहती है। अंधेरा होने के बाद तांबे अपनी बहन नारू को घर जाने के लिए कहता है, पर वह जाने से मना करती है क्योंकि उसने किसी जानवर के पैरों के निशान देखे थे जो सबसे अलग थे। वो शेर का घात लगाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। अचानक शेर आता है और उसके एक साथी को हमला करता है और मार देता है, और नारू डरते हुए पेड़ से नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसी रात तांबे शेर को मारकर झुंड में ले आता है। झुंड वाले उसकी वाह वाह करते हैं। फिर दूसरे दिन नारू इस पाँव के निशान का पता लगाने के लिए जंगल में जाती है और शिकार करती है। वो बहुत सारे जानवरों को मरा हुआ और खाल उतरा हुआ देखती। फिर जंगल में जाने के बाद वो एक दलदल में फंस जाती है और वो कैसे न कैसे अपनी कुल्हाड़ी की मदद से बाहर निकल आती। फिर खुद को साफ करने के लिए एक नदी के किनारे और बढ़ती है और उस जगह एक भालू को देखती है। जैसे ही अपने तीर कमान को चलाने की कोशिश करती है, कमान की रस्सी टूट जाती है और भालू उस पे हमला करता है, पर उसका कुत्ता सारी भालू का ध्यान अपनी ओर खिंचवा कर उसको बचने का मौका देता है और वो भागकर एक लकड़ी के जाली में छिप जाती है और भालू उस पर अटैक करता है। फिर अचानक वहां अंतरिक्ष एलियन आता है और भालू को गिराता है। ये सब देखकर वहां से नदी में कूदकर भाग जाती है। वो अपने साथियों को एक पूरी घटना बताती है, पर उसके साथी इसका कुछ यकीन नहीं करते और थोड़ी देर वहां पर एक एलियन उन तीनों पर हमला करता है, जिससे वो तीनों साथी मर जाते हैं। उससे बचने के लिए वहां से वो जंगल के दूसरे इलाके में चली जाती है और फ्रांसीस समुद्री यात्री उसे कैद कर लेते हैं। वहां पर अपने भाई तांबे को भी देखती है। वो फ्रांसीस नारू को उस राक्षस के बारे में पूछते हैं, पर उससे कुछ नहीं बताती क्योंकि फ्रांसीस का पहले ही उस राक्षस से मुकाबला हो चुका था। राक्षस के न बताने पर उन दोनों के शिकार के रूप में एक पेड़ से बांध दिया जाता है। कई घंटे गुजरने के बाद वो राक्षस आता है और उन फ्रांसीस को मार देता है। इधर नारू अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ से छुटकारा पाना चाहती है। बहुत देर बाद वो रस्सी से हाथ बंधे उस रस्सी को तोड़ देती है। वहां से निकलकर अपने कुत्ते सारी को बचाने जाती है, जो कि कुत्ते को भी उन फ्रांसीस ने बांध लिया था। वहां पर उन नारू की फाइट उन फ्रांसीस के साथ होती है और उन लोगों को मार गिराती है। कुछ समय पर वहां राक्षस आता है और नारू छिप जाती है और कुत्ता राक्षस पर भौंकता है। जैसे ही राक्षस कुत्ते पर निशाना लगाता है, तभी नारू का भाई तांबे आता है और उसके सर पर वार करता है और उसे जख्मी कर देता है, पर फिर भी तांबे को राक्षस मार गिराता है। नारू उस राक्षस की कमजोरी जान चुकी थी कि कौन सी जड़ी बूटी खाने से दिखाई नहीं देता। वो जड़ी बूटी खाकर एक जगह घात लगाकर बैठ जाती है और उस राक्षस के आने का इंतजार करती है। तभी राक्षस आता है और उसके पीछे से गोली मारकर उसका मुखौटा ले लेती है, जिससे वो वार करता था, और नारू उस मुखौटे द्वारा एक दलदल में फंसा कर रखती है और उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है और राक्षस को मार गिराती है। नारू की इस बहादुरी को देखकर झुंड वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं, पर वो उदास रहती है क्योंकि उस हमले में उसका भाई मारा जाता है। तो दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।